हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने वैभव ग्लोबल के शेयर का एनालिसिस किया था और आप लोगों को वो अच्छा भी लगा था। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे वैभव ग्लोबल के स्प्लिट का जो रेशियो है वो सामने आ गया है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे क्या अब आपको वैभव ग्लोबल के अंदर जो स्प्लिट इसका अनाउंस हुआ है उसके लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो वैभव ग्लोबल है उन्होंने 10 मई, मतलब जो आने वाला मई है उसकी जो 10th डेट है, उस दिन उन्होंने वो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। मतलब इस दिन आपके पास अपने डीमैट अकाउंट में वैभव ग्लोबल के शेयर होने चाहिए, तो ही आपको ये स्प्लिट में शेयर मिलेंगे। मतलब जो इसका रेशियो है 1:5, मतलब अगर एक शेयर है तो वो 5 में बनने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्प्लिट के लिए आपको शेयर को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, क्योंकि देखिए अगर इसका 4000 का प्राइस है तो इसका प्राइस 800 रुपीज के लगभग हो जाएगा। मतलब 4000 डिवाइडेड बाय 5 और 800 रुपीज, तो एट दी एंड आपकी वैल्यू उतनी रहेगी। मतलब अगर सपोज आपने एक शेयर खरीदा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 4000 रुपीज। तो बाद में क्या हो जाएगा कि वो 5 शेयर हो जाएंगे और उसकी एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपीज। तो उससे क्या हो जाएगा, एट दी एंड आपकी वैल्यू वो 4000 ही रहने वाली है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि 1:5 है तो उनका पैसा यहाँ पे 5 गुना हो जाएगा। मतलब जो उनका 4000 का उनका वैल्यू है, 4000 मल्टीप्लाई बाय 5, उनकी वैल्यू 20,000 हो जाएगी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट होने क्या वाला है कि जो शेयर है, जो आपका एक शेयर है वो 5 शेयर होने वाला है, और जो शेयर की वैल्यू है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, वो भी 4000 डिवाइडेड बाय 5, वो भी यहाँ पे 800 रुपीज होने वाली है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये स्प्लिट के लिए शेयर को खरीदना है, तो देखिए रिकॉर्ड डेट यहाँ पर फिक्स किया है उन्होंने 10th मई। मतलब देखिए 10th मई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, मतलब वेनसडे, जो पिछला वेनसडे होगा उस दिन आपको खरीदना पड़ेगा। देखिए 8 और 9 को तो शायद सैटरडे संडे रहेगा, और उसके बाद में 7th को फ्राइडे रहेगा, और 6th को थर्सडे, यानी कि 5th मई को अगर आप शेयर खरीदोगे तो ही आप एलिजिबल होंगे वैभव ग्लोबल के जो स्प्लिट ये अनाउंस किया है इन्होंने, इसके लिए तो ही आप एप्लीकेबल होंगे। मतलब 5 मई से पहले, अगर 5 मई से पहले भी अगर आप खरीद लोगे और 10th मई तक आपके शेयर डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, तो ही आपको ये शेयर मिलेंगे। अब इसके बाद अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की यहाँ पर अगर बात करूँ, तो देखिए 12,893 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, और अगर इंडस्ट्री के पी से कंपैरिजन अगर देखें तो ये 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कॉस्टली नज़र नहीं आता है, एक अच्छे वैल्यूएशन पर यह शेयर मिल रहा है। और देखिए 4000 का शेयर है, और उसके बावजूद अगर यहाँ पे 0.85% का डिविडेंड है, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा अच्छा ये अट्रैक्टिव नज़र भी आता है। अब इसके बाद अगर मैं इसके पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की बात करूं, तो देखिए पिछले 4 साल से लगातार अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, और उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करें, तो पिछले 4 साल से लगातार जो कंपनी है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए इस साल तो कोविड आ गया था, वो जो 2021 के एंड में, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, और जो ईयरली रेवेन्यू रहेगा मेरे ख्याल से पूरे फाइनेंशियल ईयर का, वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा घिरता हुआ नज़र आएगा। अब इसके बाद अगर इसके शेयर को अगर हम देखें, तो देखिए इसने 4780 का इसने हाई बनाया था, मतलब अराउंड अगर देखा जाए तो 15-16% का करेक्शन इसके हाई से पहले से ही हमको देखने को मिल गया है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वैभव ग्लोबल के अंदर जो मेन इश्यू है वो है लिक्विडिटी का, मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं रहती है। अगर आप देखोगे तो ये शेयर अगर 4000 पे ट्रेड हो रहा है, तो एकदम से अगर आप कुछ 15 या 20 मिनट बाद देखोगे यार, एकदम से 3900 या 4100 के लगभग ये शेयर चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि कभी कहीं पे हाई प्राइस पर कोई बायर बैठा हुआ है, कहीं हाई प्राइस पर कोई सेलर बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है, तो इसलिए इसका जो प्राइस है वो इंट्राडे में कभी कभी 10% ये स्टॉक गिर जाता है, और इंट्राडे में 10% बढ़ भी जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो यही बोलूँगा कि ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जितना आपको रिटर्न इसमें दिख रहा है उतना ही रिस्की स्टॉक ये आपके लिए बन सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप कंपनी स्प्लिट लेकर
लेकर आ रही है, तो स्प्लिट लाने से क्या होगा, अभी देखिए इसका 3962 का प्राइस है, मतलब ऑल ओवर अगर राउंड फिगर हम मान के चले 4000 रुपीज, तो 800 रुपीज इसका प्राइस होगा स्प्लिट के बाद। तो स्प्लिट के बाद क्या होगा, 800 रुपीज पे क्या ज्यादा बाइंग होगी, क्योंकि अगर शेयर अगर देखिए अगर 800 रुपए का शेयर है तो 800 रुपए पे सीधी बात है कि वहां पे आपको ज्यादा बायर्स मिलेंगे एज कंपेयर टू 4000 के प्राइस पे, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 4000 का प्राइस है तो थोड़ा शेयर महंगा है, तो उसकी वजह से वो शेयर को लेते भी नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, वैभव ग्लोबल मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म व्यू से कोई ज़्यादा इश्यूज नज़र नहीं आते, बिजनेस मॉडल जो इनका जो ज्वेलरीज और वो ऑनलाइन इनका बिजनेस है, मेरे ख्याल से एक एट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल यहाँ पे नज़र आता है, और ऐसा कोई जो मेन जिस तरीके का इनका यूएस और यूके में काम है वैसा यहाँ पे कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज में इसका मेन अच्छा खासा कंपटीटर भी नज़र नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से वैभव ग्लोबल लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे FIH को भी पसंद आ सकता है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब शेयर अपने हाई से लगभग 15% के करेक्शन पे मिल रहा है। दोस्तों मैं होप करूंगा कि वैभव ग्लोबल के स्प्लिट का रेशियो तो आपको पहले से पता ही होगा, लेकिन जो रिकॉर्ड डेट है उसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।